बेएतबार सिर्फ वही बंदा नहीं है जो किसी की अमानत को मार लेता है, बल्कि वो भी है कि जो किसी की बात को दूसरों पर जाहिर कर देता है। आदमी को सिर्फ बातों से ही मत परखो, बल्कि ज्यादातर उसके आमाल व ख्वाहिशात से उसकी इंसानियत का अंदाजा लगाओ। सिर्फ मुजरिम को सजा देना काफी नहीं, बल्कि राजदान को भी सजा मिलनी चाहिए। गरीब वो नहीं है जिसके पास कोई दोस्त ना हो, बल्कि असल गरीब तो वो है जिसका दुनिया में कोई भी दोस्त ना हो। मुल्कुल मौत जानकुनी के वास्ते सिर्फ एक मरतबा ही नहीं आता, बल्कि बहालत जिंदगी बसूरत कर्ज ख्वा भी नमूदार होता रहता है। जो बंदा मकरूज नहीं है उसको तबकाए गुरबाएं नहीं बल्कि जुमराए उमरा में शुमार करो। तालीम याफ्ता ही बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि वो तालीम याफ्ता भी बेवकूफ़ होते हैं जो इल्म का सही इस्तेमाल नहीं जानते। बेवकूफ़ वो नहीं है जो जाहिल है, बल्कि वो भी हैं जो रुपए के लिए जान देता है और जान के लिए रुपया सर्फ नहीं करता। हजारों दोस्तों की मौजूदगी से खुश ना हो, बल्कि एक दुश्मन गायब से खाइफ रह। कयामत के रोज ये ना पूछा जाएगा कि तुमने क्या कुछ पढ़ा है, बल्कि ये कि तुमने क्या कुछ किया है। चोर वो नहीं जो किसी की चीज चुराए, बल्कि वो भी है जो झूठ बोलता है, क्योंकि वो जानी और समझी हुई बात को चुराता है। मुसीबतें हमें आजार पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आती हैं। शहद, लीमू और जीरे को आपस में मिक्स करके नीम गर्म पानी में डालकर निहार मुंह पीने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। जिंदा वो नहीं है जिसके जिस्म में जान हो, बल्कि वो भी है जिसने दूसरों के लिए जान दे दी। ऐब करने वाला ही बद नहीं होता, बल्कि ऐब को जाहिर करने वाला भी बदतरीन होता है। ऐसा न रख कि खिदमत सुल्तान करता हूं, बल्कि उसका एहसान समझ के तुझे खिदमत का मौका दिया। शराफत तो नजाबत कोई माँ के पेट से लेकर नहीं आता, बल्कि सब एक से होते हैं। लेकिन जो अपने इखलाक व आदात और दिलो दिमाग की हालत को अच्छा कर लेता है, वही असली शरीफ और नजीब हो जाता है, और जो खराब कर लेता है वो कमीना और रजील बन जाता है। बातें बनाना और काम कुछ न करना तलब नहीं कहलाती, बल्कि ये सरासर हवस है।